हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीएम मिश्रा और यहां पे क्लास ट्वेल्थ जो हमारा चैप्टर सेकंड है पुष्पों में लैंगिंग जनन को हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए, वो चाहे यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, झारखंड, उत्तराखंड, किसी भी बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे जो बोर्ड हो, ठीक है ना। आप लोग को, सभी लोग को पढ़ना है और यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों प्रश्नों का निचोड़ हम लेके आ रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पराग कोष का स्फुटन, पराग कोष का स्फुटन एवं नर युग्मोद्भिद का विकास, पराग कोष का स्फुटन एवं नर युग्मोद्भिद का विकास, ये हमारा पराग कोष का स्फुटन हमारा होता क्या है, ठीक है ना। तो पराग कोष के स्फुटन के समय जो मध्य स्तर व टेपिटम स्तर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार पराग कोष भित्ति में केवल बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा रह जाती है, ठीक है। और स्फुटन के समय जन हानि करके अंतः त्वचा की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, जिससे संपूर्ण बाह्य स्तर पर तनाव उत्पन्न हो जाता है और इस तनाव यानी कि खिंचाव के कारण पराग कोष स्टोमियम वाले स्थान से फट जाता है तथा दोनों पराग धानियों में स्थित पराग कण क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं और इसे ही पराग कोष का स्फुटन कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पराग कोष के स्फुटन के समय मध्य स्तर व टेपिटम स्तर नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार पराग कोष भित्ति में केवल वाह त्वचा व अंत त्वचा रह जाती है, वाह त्वचा और क्या रह जाती हमारी, अंत त्वचा रह जाती है। स्फुटन के समय जनहानि करके अंतः त्वचा की कोशिकाएं सिकुड़ जाती है, जिससे संपूर्ण वाह्य सतह पर तनाव उत्पन्न हो जाता है, पर क्या उत्पन्न हो जाता है, वहां पर तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव यानी कि खिंचाव बल के कारण पराग कोष स्टोमियम वाले स्थानों से फट जाती है। यहाँ के स्थानों से क्या रहती है, वो हमेशा
फट जाती है तथा दोनों परागधानियों में स्थित तथा दोनों पराग धानियों में स्थित पराग कण बाहर आने लगते हैं जिसे पराग कोष का स्फुटन कहते हैं और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, पराग कोष का मेरे प्यार बच्चों स्फुटन बोला जाता है। ठीक है ना, इसे क्या कहते हैं, पराग कोष का स्फुटन बोला जाता है। अब हमारा क्या है, वो आता है नर युग्मोद्भिद का विकास, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेट। लिखेंगे यहाँ पे नर युग्मोद्भिद का विकास। अगला हेडिंग हमारा क्या है, डाल लीजिए नर युग्मोद्भिद का विकास। नर युग्मोद्भिद का विकास मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो याद रखिएगा क्या होता है, इसमें जो परागण से पूर्व परागकण के विकास को पूर्व परिवर्धन या फिर प्रीकोशियस अंकुरण कहते हैं। जो परागकण से पूर्व जो परागण के विकास जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्व परिवर्धन या फिर प्रीकोशियस अंकुरण कहते हैं। और पराग कोष से स्वतंत्र होने से पूर्व ही पराग कणों का क्या हो जाता है, अंकुरण हो जाता है। और इस क्रिया में सर्वप्रथम जो हमारा परागकण होता है, केंद्रक पराग कण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा एक छोटा एवं बड़ा केंद्रकों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे परागण से पूर्व पराग कण के विकास को पूर्व परिवर्धन या प्रीकोशियस अंकुरण कहते हैं, या इसको कहा जाता है प्रीकोशियस अंकुरण। ठीक ना, पराग कोष से स्वतंत्र होने से पूर्व ही पराग कणों का अंकुरण हो जाता है। पराग कणों का क्या हो जाता है, हमारे अंकुरण हो जाता है। इस क्रिया में सर्वप्रथम पराग कण का केंद्रक पराग कण भित्ति की ओर जाकर पराकण भित्ति की ओर जाकर पराकण भित्ति की ओर जाकर समसूत्री विभाजन द्वारा क्या होता है, इसमें समसूत्री विभाजन के द्वारा एक छोटा और एक बड़ा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है
वह एक बड़ा दो केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। दो केंद्रकों में हमारा क्या हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, विभाजित हो जाता है। इस बड़े केंद्रक को वर्धी या फिर नली केंद्रक तथा जो छोटा केंद्रक होता है उसे जनन केंद्रक कहते हैं। इनमें से बड़े वाले केंद्रक को वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक, वर्धी केंद्रक या नली केंद्रक तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं। तथा छोटे केंद्रक को जनन केंद्रक कहते हैं, और छोटे वालों केंद्र को क्या बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो जनन केंद्रक बोला जाता है। जनन केंद्रक एक भित्ति द्वारा एक छोटी इकाई बनाता है। अब इसके क्या लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे जनन केंद्रक एक भित्ति द्वारा एक छोटी कोशिका बनाता है। एक छोटी क्या बनाता है हमारा, कोशिका बनाता है, ठीक ना, जिसे जनन कोशिका कहते हैं। प्रायः परागकण इस द्विकोशिकी अवस्था में परागकोश से मुक्त होता है और अंतःपरागण के दौरान अधिकांश पौधों में परागकण दो कोशिकीय अवस्था वाले होते हैं। कितने अवस्था वाले हमारे होते हैं, तो याद रखना प्रायः दो ही अवस्था वाले होते हैं। अब परागकणों का क्या होता है, आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। अब परागकणों का आगे का विकास मादा पुष्प के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर होता है। परागण की क्रिया द्वारा परागकण स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाते हैं जहां इनका अंकुरण होता है।
अंकुरण होता है, जहाँ इनका क्या होता है, अंकुरण होता है, जिसे परागकण के पश्चात परिवर्धन कहते हैं, जिसे परागण के पश्चात परिवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग दो चीज़ों को डिस्कशन किया है। यहाँ पे एक मैंने किया है यहाँ पे पराग कोष का स्फुटन एवं नर युग्मोभित का विकास, ठीक ना, उसको फर्स्ट पॉइंट में, एक सेकंड पॉइंट में, दो दो पॉइंट में मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया है जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको पहले हम लोग थ्योरी के माध्यम समझने के बाद हम लोग फिगर के माध्यम से भी समझेंगे। सो चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। ये क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर सेकंड एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए पुष्पों में लैंगिक जनन से हमारा पाठ है, बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए स्पेशल, एमपी यूपी बिहार झारखंड उत्तराखंड जितने भी बोर्ड हैं सभी बोर्ड के लिए, और हमसे जुड़े रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।